हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमान यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त रहमान। तो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाऊंगा कि आपका पास भी 4440 डबल एसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो आप उस बोर्ड को कैसे आप 12 वोल्ट की बैटरी का साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं आज इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, मेरा पास है आज एक 4440 डबल एसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड और एक 12 वोल्ट की बैटरी, इसका एम्पियर है 8 एम्पियर। तो फ्रेंड मैं आज इस बैटरी से इस ऑडियो बोर्ड को चलाऊंगा, मतलब आप कैसे बैटरी का साथ 4440 ऑडियो बोर्ड का कनेक्शन करेंगे मैं आज आप सब लोगों को सिखाऊंगा। और इस बैटरी से फ्रेंड मैं आज इस ऑडियो बोर्ड को चलाऊंगा और इसका जो ऑडियो टेस्ट है मैं आप सब लोगों को वीडियो का अंत में सुनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नया होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरा नया वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देखिए, मेरा पास है एक सैमसंग कंपनी का ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड और एक 12 वोल्ट 8 एम्पियर का बैटरी। तो फिर आपका पास और भी कोई भी कंपनी का ऑडियो बोर्ड है तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आज इस बोर्ड में बैटरी का कनेक्शन जैसे करूंगा ठीक आपका पास भी कोई भी 4440 डबल एसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो आप उस ऑडियो बोर्ड में सेम कनेक्शन कीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4440 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड को बैटरी का साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जुगाड़ चाहिए। तो आपको क्या जुगाड़ चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड 4440 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड को आपको बैटरी का साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दो एलिगेटर क्लिप, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसका प्राइस है 10 रुपीज़। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो ऑडियो बोर्ड है उस ऑडियो बोर्ड का जो पावर इन देने वाला जो दोनों वायर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आपको सबसे पहले उस दोनों वायर में आपको ए एलिगेटर क्लिप को आपको कनेक्ट कर लेना होगा। तो आपको कैसे कनेक्ट करना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा 4440 ऑडियो बोर्ड का पावर इन देने वाला दो वायर है। ये इसका नेगेटिव है, ब्लैक वाला वायर है नेगेटिव, और ये रेड वाला वायर है पॉजिटिव। तो आपको क्या करना होगा, आपका पास भी कोई भी कंपनी का ऑडियो बोर्ड है तो उस ऑडियो बोर्ड का जो पावर इन देने वाला जो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर है, आपको भी सेम कनेक्शन में इस बोर्ड में जैसे कर रहा हूँ, आपका पास भी कोई भी 4440 डबल एसी वाला ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो आप उस बोर्ड में भी सेम कनेक्शन कीजिएगा। तो मैं नेगेटिव में इस बोर्ड का जो पावर इन देने वाला जो नेगेटिव वायर है उसमें मैं देखिए मैं इस नेगेटिव मतलब ये ब्लैक वाला एलिगेटर क्लिप को मैं कनेक्ट करूँगा, और इस ऑडियो बोर्ड का जो पॉजिटिव पावर इन देने वाला वायर है मतलब ये जो रेड वाला वायर है फिर इसमें मैं ये रेड एलिगेटर क्लिप को फिर मैं कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड आपका पास भी कोई भी कंपनी का ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है तो आप भी सेम कनेक्शन कीजिएगा। तो चलिए मैं पहले इसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस बोर्ड में पावर इन देने वाला जो दोनों वायर है मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो दोनों वायर है उन दोनों वायर में फ्रेंड देखिए मैंने दोनों एलिगेटर क्लिप को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो मैं कैसे कनेक्शन किया हूँ मैं अभी आप सब लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इस बोर्ड में पावर इन देने वाला जो पॉजिटिव वायर है उसमें फ्रेंड देखिए मैंने ये जो रेड वाला एलिगेटर क्लिप है मैंने इसको कनेक्ट किया है, और इस बोर्ड में पावर इन देने वाला जो नेगेटिव वायर है वहाँ पर फ्रेंड देखिए मैं ये जो ब्लैक वाला एलिगेटर क्लिप है मैं इसको कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड अभी मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड का जो स्पीकर कनेक्टर है फ्रेंड देखिए ये स्पीकर कनेक्टर है, स्पीकर कनेक्टर में फ्रेंड अभी मैं जो दोनों स्पीकर है इन दोनों स्पीकर को फिर मैं कनेक्ट करूंगा, और उसका बाद मैं आप सब लोगों को इस बोर्ड का जो ऑडियो टेस्ट है वो आज इस वीडियो में आप सब लोगों को सुनाऊंगा। तो चलिए पहले मैं स्पीकर कनेक्टर में स्पीकर को लगा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने स्पीकर कनेक्टर में दोनों स्पीकर को लगा लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड का जो पावर इन देने वाला जो दोनों वायर है तो ये दोनों वायर का भी मैं इस बैटरी का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है टर्मिनल है उसका साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये जो नेगेटिव आपको एलिगेटर क्लिप दिख रहा है मतलब यह है इस बैटरी का नेगेटिव पावर इन देने वाला वायर, इसको फिर देखिए मैं इस बैटरी का जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है इस साइड में मैं इसका साथ कनेक्ट करूंगा, और इस रेड वाला एलिगेटर क्लिप आपको दिख रहा है यह है इस बोर्ड का पावर इन देने वाला पॉजिटिव वायर, इसको फिर देखिए मैं इस बैटरी का जो ये जो रेड वाला आपको कनेक्शन पोर्ट दिख रहा है मतलब ये जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर इसको अभी कनेक्ट कर दिया हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं बैटरी का साथ इस ऑडियो बोर्ड को पूरा कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा फ्रेंड, अभी मैं इस बोर्ड में आपको ऑडियो चला के सुनाऊँगा। तो चलिए आपको इस बोर्ड का
ऑडियो टेस्ट सुनाते हैं। तो फ्रेंड अभी देखिए, मैं इस बोर्ड ये जो 3.5 mm जैक है, इस जैक को मैं अभी इस मोबाइल में इन करूँगा और इस बोर्ड में आपको, इस ऑडियो बोर्ड में फ्रेंड आपको ऑडियो टेस्ट सुनाऊँगा। तो चलिए सुन लीजिए। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नया होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड आप और भी कुछ टाइप में वीडियो देखना चाहती हो इस चैनल में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड आप ये सारे प्रोडक्ट मुझसे परचेस करना चाहती हो तो देखिए फ्रेंड, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करके आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।